देश में कोरोना वायरस के नए और अधिक संक्रामक ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में तेजी आने के साथ प्रतिबंधों के दौर की एक बार फिर से शुरुआत हो गई है। इस वेरिएंट के चलते जल्द ही देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। ऐसे में एक बड़ा सवाल फिर से उठा है कि इन स्थितियों में बच्चों को स्कूल भेजा जाना चाहिए या नहीं। केंद्र सरकार ने निश्चित आयु वर्ग के बच्चों को भी कोरोना रोधी टीका लगाने का फैसला किया है। इसके तहत 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत कर दी जाएगी। वहीं बच्चों को स्कूल भेजने के सवाल पर देश के शीर्ष महामारी वैज्ञानिकों में शुमार डॉक्टर गगनदीप कांग ने कहा है कि उन्हें स्कूल जाना चाहिए। स्कूल में बच्चे जो सीख सकते हैं वो छोटे खतरे से ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर कांग ने कहा है कि बच्चों को स्कूल भेजने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आम तौर पर उनमें कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर गंभीर रूप से बीमार पड़ने की आशंका काफी कम रहती है। उन्होंने कहा कि मैं मानती हूं कि हमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। कक्षाओं में और बाकी बच्चों के साथ जो वो सीखेंगे वो इस छोटे से खतरे से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कोरोना टीके की बूस्टर डोज को लेकर डॉक्टर कांग ने कही ये बात। वेल्लोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल साइंसेज विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर गगनदीप कांग ने कहा है कि अच्छी बात यह है कि सामान्यतः बच्चों के कोरोना से गंभीर बीमार होने की आशंका काफी कम है। बूस्टर खुराक को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में अभी बहुत कम डाटा उपलब्ध है कि देश में किस टीके को बूस्टर खुराक के तौर पर दे सकते हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।